काम करें, वैसे तो हाफ ही है यार। ठीक है ले लीजिए। Everybody is trying to perform best what they could in their own category. But ये है कि I think review से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अभी जब मैंने ये आपके अब just screening for people जो मेरे अपने लोग हैं, तो मेरे लिए ये कहना है कि it's a first debut as a main guy in the film, हिंदी फिल्म में, और एक celebration है लोगों को join करने के लिए आए देखें जो मैंने काम किया है. और so far I think last night some people have tried to message me told me कि they like the film. आई डोंट, मेरे को इतना डर नहीं है लेकिन एंजाइटी है, एंजाइटी बहुत है या नर्वसनेस और एंजाइटी को मिक्स करें तो शायद वो फीलिंग है. बट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी पॉजिटिव. जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ही है. थोड़ा ये ज़रूर है कि आई थिंक आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मूवी हर जगह पहुंच सके, इंटरनेशनली इसको हम रिलीज़ कर सकें. वो थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट और कुछ कपल ऑफ फैक्टर्स की वजह से हम नहीं कर पाए, इंडिया में ही रिलीज़ की हमने, बस वो एक थोड़ा सा मुझे लगता नहीं. तो अदरवाइज आई थिंक बहुत लंबे बड़े लेवल पे होती तो अच्छी चलती, बहुत अच्छी चलती, इससे भी अच्छी मैं भी सोच रहा हूँ. फिल्म बहुत अच्छी बनी है और संदेश ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और अनुज ने बहुत अच्छा काम किया है, विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया. मतलब जितने भी फिल्म के अंदर में लोगों ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है. मतलब बहुत कम ऐसा फिल्म देखने को मिलता है जहाँ पे सारे करेक्टर जो हैं वो अपने आप उठते हैं, अपना काम दिखता है सबका. तो मैंने कल देखा फिल्म, मुझे बहुत मज़ा आया और शुरू से लेके एंड तक जो फिल्म है पूरी टाइट फिल्म है और लोकेशन बहुत अच्छा है, सिचुएशन हर सिचुएशन पे छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया. मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं. एक पंजाबी आदमी और बंगाली आदमी में कितना फर्क होता है, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जा करके सब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं वो, कैसे कैसे कुंडली का सारा दोष वगैरह जो है. एंड में वही दिखाया है कि मेन जो है अपना कॉन्फिडेंस, अपना ही कॉन्फिडेंस आगे आकर के काम आता है, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. और अनुज ने शुरू से एंड तक बहुत अच्छा काम किया कल. मतलब मैं पूरी फिल्म, मतलब पूरा ध्यान से देखा फिल्म में, मेरे को बहुत अच्छा लगा फिल्म. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं अनुज के लिए और पूरी टीम का तो है ही. अनुज के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मतलब पहली फिल्म के अंदर में इतने अच्छे से काम निभाना बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सभी लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से काम किए हैं. और इसमें मैंने गाना गाया एक कलोल हो गया और इसका जो म्यूज़िक दिया है मेरे बैंड मेंबर्स ने दिया है, बैंड ऑफ बंदगी. तो मैं चाहूँगा कि नीरू रावल और प्रशांत सातो से जो बैंड मेंबर्स हैं, बैंड ऑफ बंदगी के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने म्यूज़िक किया है, आप उनसे भी जानेंगे बहुत कुछ, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो मेरे बैंड मेंबर नीरू का. मैं अभी सुनाऊँगा आपको, वो आ जाएँ उसके बाद में मैं सुनाता हूँ. तो मैं चाहूँगा कि नीरू प्रशांत नीरू रावत प्रशांत सातो से हेलो बैंड मेंबर है. अनुज और फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और जो गाना हमने इस फिल्म में किया है वो गाना एक बार सबके लिए गा देते हैं. शनिचर की रात मेरी दारू के नाम थी, थोड़ी देर पहले ही जोर हो गया. जिस
मैं जिस यार की गाड़ी में था जाना मुझे उसका खत्म पेट्रोल हो गया। गाड़ी नू धक्का ला दो कोई डिस्को विच पुचा दो, गाड़ी नू धक्का ला दो कोई डिस्को विच पुचा दो, मेरा बिन मतलब विच रोल हो गया, कलोल हो गया जी, कलोल 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 हो गया। I just want to wish him all the best, and I think I've seen the songs of the song of the film, and it's looking nice. All I can say is a friend. I wish him lots of good luck. I wish after this he's gonna sign a lot of film. He must have signed till now, I believe. And I'm really excited. I'm gonna watch his film now, and let's see what happens. But yeah, bahut bahut sari shubhkamnaye meri taraf se. Fun film, light film, today's film. All youngsters are there in the film. So yeah, मैं वही देखने वाली हूँ. So, youth की film है और बाकी क्या है story मुझे खुद नहीं मालूम है. But जो मुझे नजर आ रहा है it's a more of youth film and it's gonna be fun I believe for sure. So, being a friend आप भी जाएंगे आप दोनों मिलके काम करें. Yeah, for sure. That you have to ask him too. But yeah, for sure, why not? If there's something interesting script coming up, definitely, we'll see. And as of now, I'm going to enjoy the film, that's it. So do you like to add on something to this interview? Tell me now, what? All I can say really, I can talk about my next film, which I'm coming up with. It's called Lakira. And I'm very excited about this film. I'm sure I can understand. जैसे अनुज को धक 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 हो रही है, फिल्म रिलीज हो चुकी है, एंड यू नो नाउ ही इज़ वेटिंग कि हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं. सो सेम गोज़ टू मी. मेरी जो नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है, इट्स अ डिफरेंट स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर, समथिंग विच आई हैव नेवर डन बिफोर. सो लेट्स सी. आई एम रियली रियली नर्वस अबाउट इट बिकॉज अ डिफरेंट रोल. सो Yeah, I'm going to start my shooting, so I'm really excited about it. So this is my latest news and latest project, I can say. Okay, thank you. Thank you. बहुत excited हूँ. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अनुज, and it's his movie. And मैं उसको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. And I'm looking forward that वो ऐसे ही काम करते जाएं और हम सबको entertain करें. I think being a viewer, because I want to see his performance, because you know I've seen the promos, he's really worked very hard. Bahut different characters is picture mein nibhaya hai, kirdar bahut acha nibhaya hai. So I think so I want to see him. Maine humesha usko dekha hai, bahut acha actor, you know, but movie mein pehli baar uski dekhunga. So I'm sure that he has done a fabulous job and reviews bahut acche hain. Thank you. जब हम लोग एग्जाम दे के आते हैं तो एग्जाम के बाद का जो रिजल्ट है वो माहौल चल रहा है, तो इट इज़ गुड. इट इज़ फीलिंग ऑफ सरेंडर्ड ऑल्सो, क्योंकि जितनी मेहनत हमने करनी थी हम सब लोगों ने, जो जो करना था वो हम लोगों ने कर लिया. नाउ अब चीज़ें सबके सामने हैं, पीपल विल वॉच एंड दे डिसाइड. ना मैं हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा. वी आर जस्ट प्लान एंड वी आर वेटिंग फॉर. सी कई बार क्या होता है ना कि जब चीज़ें होती हैं तो देन यू आफ्टरवर्ड यू रियलाइज कि व्हाट्स हैपेंड. जो कुछ भी अभी हो रहा है इसको होने में कुछ 20 साल लगे. मतलब आई स्टार्ट इन 96, और कहते ना कि एक जर्नी स्टार्ट होती है और उसके बाद देन यू रीच समवेयर. जर्नी एक जगह पे आके आप डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो, सो उस टाइम वाली फीलिंग है. We have reached here.
इतने सालों तक यही चाहिए था, यही करना था. आई वॉन्टेड टू मेक अ मूवी, फाइनली आई मेड इट, नाउ इट इज आउट. सो अब थिंग्स. सो व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स ड्यूरिंग विच जर्नी, द मेकिंग ऑफ द मूवी और एंटायर जर्नी? मेकिंग ऑफ द मूवी वॉज ब्लेस्ड, कोई हर्डल नहीं था, मस्के की तरह स्टार्ट हुआ, आराम से कंप्लीट हुआ. हाँ, जो 20 साल की जर्नी, उसमें तो बहुत सारे हर्डल है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें हैं. नहीं, अनएक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, जो भी है एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि हर एक का परसेप्शन है, हर एक के लिए चीज़ें हैं, अगर हम लोग कुछ करते हैं. सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एक ही चीज़ को देख के आप अलग चीज़ कहेंगे, आप अलग चीज़ कहेंगे. मैं फिल्म मेकिंग में कहूँ तो, मैं खाने की तरह बात करूँ तो, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को आलू के पराठे अच्छे लगे. कुछ इटालियन खाते हैं, कुछ अलग तरीके खाते हैं, कुछ सबका अपना अपना फ्लेवर है. सो जो रिएक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि हर एक ने अपने अपने इंडिविजुअल स्वाद के हिसाब से बताना है कि फिल्म अच्छी है, ख़राब है, बहुत अच्छी है, या देखने लायक नहीं है, या अल्टीमेट है. सो हमने एक डिश तैयार की है, नाउ पीपल हैव टू डिसाइड कि वो उस डिश को खाने वाले कौन कौन लोग हैं. सिंपल. और आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसी लगी. और आप लोग ज़रूर बताएं, देखें कि कैसी लगी, क्योंकि ये सिंसियर एफर्ट है. और हम लोग जिस हिसाब से कई जगहों पर बोले कि एज अ मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम वो 100, 200, 500 करोड़ क्लब वाली बात तो नहीं है. हम लोगों का एक होता है कि हमने एक कहानी कही है, अगर ये लोगों को पसंद आएगी, चलेगी, तो हमें दूसरी कहानी कहने का मौका मिलेगा. सो इट इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग ऑन द ग्राउंड वेयर वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, बिकॉज हमारा कुछ ऐसा ब्रांड नहीं है जिस पर मुझे ये टेंशन हो कि यार मेरा ब्रांड खराब होगा. सो वॉट एवर आई कुड गिव, आई हैव गिवन. नाउ इट इज़ अप टू यू ऑल टू डिसाइड. एंड आई हैव गिवन मनी.